मेरे स्टूडेंट्स, एजुकेशन जेट चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट टू लेके मैं आया हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आपको इसी तरह वीडियोस चाहिए, तो मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। जल्दी से अच्छा चलें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट टू का पार्ट है। अब स्टार्ट करते हैं। इफ एनी नंबर इज एडेड विथ जीरो, अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, मींस जोड़ते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू, तो उस नंबर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। मींस चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। लेट अस सपोज ए प्लस जीरो को हम जीरो प्लस ए भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हमें मिलती है, ए मिलती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फाइव प्लस जीरो, इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस फाइव, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, फाइव मिल गई। यानी फाइव में हम जीरो अगर ऐड करेंगे तो हमें फाइव ही मिलेगा, जीरो में हम फाइव ऐड करेंगे तो हमें फाइव ही मिलेगा। मीन्स अगर जीरो को किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको वही सेम नंबर मिल जाती है। इसी तरह निगेटिव नंबर में भी अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही सेम नंबर मिल जाती है। अब हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इफ़ एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई जीरो, अगर किसी नंबर में हम जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स गुणा करते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें बच्चों, जीरो ही मिलता है। मीन्स क्या है, जीरो जो है हीरो है, कितनी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो सबको क्या कर देता है, जीरो कर देता है। मीन्स ए इंटू जीरो को हम जीरो इंटू ए भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हमें मिल रही है, जीरो मिल रही है। मीन्स जीरो में हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। फाइव इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू फाइव जीरो। अब लेट अस सपोज हम करते हैं थ्री इंटू टू इंटू फाइव इंटू नाइन इंटू माइनस एट, इस सब इंटू जीरो, इन सब की वैल्यूज़ क्या मिल जाएगी हमें बच्चों, जीरो मिल जाएगी। मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या करता है, सबको जीरो कर देता है। अब हम देखते हैं इफ़ एनी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर उसको हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, इन्फिनिटी मिलती है। इन्फिनिटी मीन्स लिमिटलेस, अनंत। लेट अस सपोज हम एक नंबर ए लेते हैं, ए को हमने जीरो से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, अनंत मिल गया। इसी तरीके से माइनस ए ले लिया हमने, उसको भी जीरो से डिवाइड किया, ये भी अनंत मिल गया। तो हमने क्या किया, फाइव ले लिया एग्जांपल के तौर पे और उसको जीरो से डिवाइड किया, इन्फिनिटी मिल गया। माइनस फाइव ले लिया, जीरो से डिवाइड किया, इन्फिनिटी मिल गया। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इफ़ जीरो इज़ डिवाइडेड बाई एनी नंबर, अगर जीरो जो है किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है बच्चों, जीरो ही मिलता है। जीरो को अगर हम नेगेटिव नंबर से भी डिवाइड करें तो भी जीरो मिलेगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जीरो को हमने फाइव से डिवाइड किया, क्या मिला, जीरो मिला। जीरो को हमने माइनस फाइव से डिवाइड किया, जीरो मिला। अब हम देखते हैं बच्चों कि अगर कोई भी नंबर है, इफ़ पावर ऑफ एनी नंबर, चाहे वो नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इज़ जीरो, अगर उसकी पावर क्या है, जीरो है, ए की पावर जीरो है, तो इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। माइनस ए की पावर जीरो है, हमेशा इसकी वैल्यू वन होती है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चों, थ्री की पावर जीरो मीन्स वन, माइनस फोर की पावर जीरो मीन्स वन। तो बच्चों अब हम लोग नया नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा। कुछ हम लोग फिर इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट थ्री लेके आएंगे। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में, आप लोग प्रॉपर वे में करते रहें। उसके बाद मैं सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक मैथमेटिक्स के और भी पार्ट्स अपलोड करता रहूँगा, जिसमें सीबीएसई आईसीएसई सभी बोर्ड्स होंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स यहाँ मिलते रहेंगे। आप लोग मेहनत करें, मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ आपको। अब सिक्स पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चों। इफ़ एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाई इट्सेल्फ, अगर किसी नंबर को खुद से ही डिवाइड कर दिया जाए, फाइव को हमने फाइव से डिवाइड कर दिया, वन होता है रिजल्ट, देन रिजल्ट विल बी वन। ए बाई ए वन,
माइनस ए बाई ए वन। इसी तरीके से हमने एग्जांपल ले लिया, थ्री बाई थ्री वन, माइनस टू बाई माइनस टू इज इक्वल टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।